हेलो नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सौरभ। आप सभी का संक्षेप रणनी में स्वागत है। वी नो दैट नाउ वी आर एनकाउंटरिंग दैट इन द एरा ऑफ क्लाइमेट चेंज जो स्पीसीज एक्सटेंशन का रेट है दैट इज एस्केलेटिंग एंड देयरफॉर वी नीड ए होलिस्टिक अप्रोच एंड सक्सेसफुल कंजर्वेशन एफर्ट्स टू प्रिजर्व द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एंड इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग द ह्यूमन लाइफ इटसेल्फ। सो इन दिस कंटेक्स्ट यूएस साइंटिस्ट हैज मेड ए ब्रेक थ्रू अचीवमेंट इन द गोल ऑफ कंजर्वेशन। यू कैन सी हेयर द फर्स्ट एवर नॉर्थ अमेरिकन एंडेंजर्ड ब्लैक फुटेड फेरेट हैज बीन क्लोन्ड एंड इट इज नेम्ड एज एलिजाबेथ एन एंड दिस स्पीसीज हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम द फेरेट हु डाइड अबाउट 33 ईयर्स अगो। हाउ दिस मिरेकल हैज हैपेंड एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू क्लोन एंड हाउ दिस इज इम्पैक्टफुल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो यू कैन रिलेट this topic with the UPSC syllabus in the section environment biodiversity and conservation and this information is also important for your other various competitive exams. So let's meet Elizabeth N. So actual mein extinction hota kya hai? Extinction means when the last individual of a particular species dies out, means right now uska ek bhi member jo hai wo alive nahi hai, so that is extinction, is completely lost. Okay, सो ये जो एक्सटिंक्शन है, यू कैन सी दैट इट इज़ ए फंडामेंटल पार्ट ऑफ नेचर एंड मोर देन 99% ऑफ द स्पीसीज हु हैव एवर लिव्ड दे हैव गॉन एक्सटिंक्ट। सो व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस फॉर एक्सटिंक्शन? देयर कुड बी सो मेनी रीजंस एंड सो डिफरेंट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन। कुछ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं जैसे कि डिफोरेस्टेशन, ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, ओके, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है ना। सो एंड अदर फैक्टर्स आर देयर लाइक लॉस ऑफ हैबिटेट या इन्वेजन हो जा रहा है न्यू स्पीसीज का इन्वेजन या लैक ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी या कुछ नई डिजीजेज का इन्वेजन हो जा रहा है, ओके, या लैक ऑफ फूड एंड देयर आर सो मैनी अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज। एंड इन दिस कंटेक्स्ट द फेरेट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्पीसीज विच वॉज वंस कंसिडर्ड एज मीन्स एक्सटिंक्ट, ओके, ड्यूरिंग 1960s. Especially this black footed ferret, okay, which has been cloned now and that is named as Elizabeth N. So ye ferret hoti kya hai actually? You can see that first different news media articles ne isko cover kiya hai is news ko and it is just ek ya do din pehle ka hi news hai actually, yesterday or day before yesterday. You can see that scientists cloned an endangered black footed ferret aur ye New York Times ka article hai, meet Elizabeth N, the first cloned black footed ferret. सिमिलरली बीबीसी न्यूज ने भी इसको कवर किया है, द फेरेट बिकम्स फर्स्ट नॉर्थ अमेरिकन एंडेंजर्ड स्पीसीज टू बी क्लोन्ड एंड टाइम्स नाउ डिजिटल का भी ये 21 फरवरी का ही आर्टिकल है 2021 का, साइंटिस्ट क्लोन एंडेंजर्ड फेरेट फ्रॉम फ्रोजन सेल्स ऑफ वन दैट लिव 30 ईयर्स अगो। द हिंदू ने भी इसको कवर किया, यू कैन सी दैट एलिजाबेथ एन द फर्स्ट क्लोन फेरेट स्पर्स होप फॉर एंडेंजर्ड यूएस स्पीसीज। तो ये फेरेट होती क्या है? लेट्स मीट एलिजाबेथ एन। एक्चुअली फेरेट जो है एक यूरोपियन पोलकैट का ही एक फॉर्म स्पीसीज है, डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज है, जिसको कि यूरोपियन पोलकैट भी कहते हैं, मतलब एक पोलकैट है, ओके, यूरोपियन पोलकैट है ना, तो विच बिलोंग्स टू द फैमिली मुस्टेलिडी, इसकी फैमिली है और इसका जो जीनस है मुस्टेला है, स्पीसीज पुटोरियस है एंड देर इज अ स्पीसीज फुरो, ओके। बट ये पाई कहाँ जाती है? इसके हैबिटेट की बात करें तो यू कैन फाइंड इट इन ओपन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड बुशलैंड एरियाज में, ओके, दिस इज द फेरेट स्पीसीज, ओके, ब्लैक फुटेड फेरेट स्पीसीज विच हैज बीन क्लोन्ड। बट एक्चुअली क्या होता है कि ये फेरेट जो है इसको कई बार हम बीजल के साथ भी कंफ्यूज करते हैं, ओके, सो बीजल इज वन ऑफ द स्पीसीज बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली मुस्टेलिडी, ओके, सो यू कैन सी दैट इट इज वन ऑफ द 10 स्पीसीज विच आर फाउंड इन द फैमिली मुस्टेलिडी। बट ये बीजल और फेरेट में डिफरेंस क्या है कि ये बीजल जो है डेट इज अ स्पीसीज, ओके, इन मुस्टेलिडी फैमिली, बट जो ये फेरेट है डेट इज सब स्पीसीज, ओके, मीन्स मुस्टेलिडी फैमिली में ही ये सब स्पीसीज है, क्योंकि ये एक सब स्पीसीज डेट इज फूरो, ओके। एक्चुअली इसका जो आउटर स्किन है यू कैन सी दैट इज मेनली ब्लैक, ब्राउन और वाइटिश होता है, बट इसका जो बीजल है डेट इज मेनली रेड ब्राउन और ब्राउन होता है इसका जो मेनली है एंड वाइटिश होता है। और जनरली ये जो फेरेट है इसका जो बॉडी है डेट इज टॉलर देन दिस बीजल, ओके, एंड ये जो बीजल है दे आर मेनली दे आर वाइल्ड पेस्ट हैं, और जबकि फेरेट जो है इट हैज बीन टेम्ड और डोमेस्टिकेटेड फॉर 2500 ईयर्स, ओके,
So this is the main these are the main differences between the beagle and ferret. Okay, so actually what has happened, okay, तो इसके अगर हम फीडिंग हैबिट की बात करें, अगर हम फेरेट के, तो इट इज मेनली कार्निवोर है जो कि दूसरे एनिमल्स के ऊपर प्रे करती है, स्मॉल मैमल्स सच एज रैबिट्स, रैट, माइस एंड पोसम्स. ओके, बट इसका जो मेन फूड है ना, दैट इज प्रेरी डॉग्स. यू कैन सी हेयर दीज आर द प्रेरी डॉग्स. ओके, ये प्रेरी डॉग्स हैं जो इसका मेन फूड हैबिट है एक्चुअली. तो और ये जो रहती भी कहाँ पे, ये रहती भी इन्हीं प्रेरी डॉग्स के द्वारा बनाएंगे बरोज में. यू कैन सी हेयर. ओके, सो दिस ब्लैक फुटेड फेरेट इज द ओनली फेरेट स्पीसीज दैट इज नेटिव टू द नॉर्थ अमेरिका एंड इट वॉज ऑलमोस्ट ग्लोबली एक्सटिंक्ट इन द 1960s में. ओके, हाउएवर उसके बाद कुछ एफर्ट्स किए गए एंड इट केम बैक इन टू द एग्जिस्टेंस. ओके, एंड दिस फेरेट्स आर दे आर मेनली नॉक्टर्नल होती हैं एंड दे 90% ऑफ देम. ओके, दे आर रिमेन अंडरग्राउंड इन द प्रेरी डॉग बरोज. ओके, तो ये बरोज हैं, तो यू कैन सी एंड दिस बरोज आर एक्चुअली मेड बाई दिस प्रेरी डॉग्स. ये इनका हैबिटेट होता है, बट ये इनको उनको फीड करती है और खुद वहाँ मजे से रहती है. ओके, तो दिस आर द प्रेरी डॉग्स बरोज, यू कैन सी है. ओके, सो वट एक्चुअली इट इज स्टिल अंडर द थ्रेटन स्पीसीज दिस फेरेट एक्चुअली. एंड इसका जो रीजन है, इसके जो मेन रीजन है, दैट इज श्रिंकिंग इन द नंबर ऑफ मेन प्रे, दैट इज इट्स प्रेरी डॉग. ओके, सो ये जो प्रेरी डॉग है इसके नंबर में लगातार कमी आ रही है, तो एक्चुअली दैट इज व्हाई इट इज हैपनिंग. ओके, एक्चुअली दिस इज ड्यू टू द प्लेग. ओके, यर्सिनिया पेस्टिस, दिस बैक्टीरिया कॉजेज द प्लेग इन दिस प्रेरी डॉग्स. ओके, एंड दिस इज द बैक्टीरिया इज फ्ली बीटल. ओके, जिसके खाने से मतलब विच बाइट्स दिस प्रेरी डॉग्स एंड दिस प्लेग, दे आर इन्फेक्टेड विद दिस प्लेग. ओके, सो वेन दिस फेरेट दिस फीड्स ऑन दिस प्रेरी डॉग्स. ओके, सो एक्चुअली देर इज अ लॉस ऑफ लाइफ, मीन्स दिस बैक्टीरिया मीन्स दिस प्लेग विल ट्रांसफर टू दिस ऑल्सो एंड इट मे लीड टू इट्स लॉस ऑफ लाइफ. ओके, सो दैट्स वाई यू कैन सी दैट जो ड्यू टू दिस प्लेग ऑल्सो एंड देर इज अ लॉस इन मीन्स यू कैन सी देयर नंबर्स आर श्रिंकिंग एंड साइमल्टेनियसली जो इसका ब्लैक फुटेड फेरेट है इसका नंबर भी कम है एक्चुअली. सो इस कारण क्या हुआ कि जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, दे क्लासिफाइड द ब्लैक फुटेड फेरेट एज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज इन 2008. ओके, सो अभी ये अभी स्टिल इट इज अंडर द एंडेंजर्ड स्पीसीज कैटेगरी. ओके, अभी भी लगभग 200 to 300 फेरेट्स ही हैं अभी टोटल वर्ल्ड की बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब मेनली वहीं पर ही हैं. ओके, so if you see that scientist clone endangered ferret from the frozen cells of one that lived 30 years ago. okay, so actually ye jo ferret ko clone karne ka project hai, okay, that was started during 2013. okay, and it mainly different organization ne partnership kiya. okay, that say ki US ka fish wild services hai, then revive and restore hai, then there is a company Biogen Pest and Equine. okay, this is a main company for responsible for the cloning. okay, so this you can see that Elizabeth Ann jo ki abhi clone ki gayi new ferret species, it was created from the cells of Billa. okay, Billa matlab jis species se ye create ki gayi hai, okay, jo ki ek ferret black footed ferret species hai, theek hai, jiska naam tha Billa. okay, and which died about 33 years ago. okay, so that's why you can see that Elizabeth Ann was created from the cells of Billa, a black-footed ferret that lived more than 33 years ago. okay, so scientists have now said that this cloning will boost genetic diversity and population recovery of these black-footed ferrets. okay, so jo ye Elizabeth Ann hai, actually kya hai ki jo DNA hai, okay, from the this ferret species this Billa, okay, means that was introduced into the this new species, new ferrets. okay, and new species of ferret, you can say it was cloned, okay, which was named Elizabeth Ann. okay, so the ferret named Elizabeth Ann, it was cloned from the DNA of a ferret whose cells had been frozen since 1988. okay, so this is the first time that any endangered species it has been cloned in the US. okay, so further you can see that US Fish and Wildlife Services, they have tweeted, share the tweets also regarding the newly cloned Elizabeth Ann. okay,
So here is the tweet, and they have shared a video also, and you can go through this tweet and you can see the videos of this Elizabeth N. And actually what has happened, जो ये जो ब्लैक फुटेड कैरेट है, ओके, इट इज़ अ नेटिव टू स्ट्रिक्टली नेटिव ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ओके, सो इट इज़ अ नॉर्थ अमेरिकाज ओनली नेटिव फेरेट है, ओके, एंड ड्यूरिंग 1960s में, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ड्यूरिंग 1960s इट वॉज कंसिडर्ड एक्सटिंक्ट, ओके, बट क्या हुआ कि ड्यूरिंग 1981, ओके, सम कुछ पॉपुलेशन इसकी डिस्कवर की जाती है अगेन बाय ए ब्योमिंग रेंचर इन द 1981, ओके, एंड एट द टाइम दे वर कैप्चर्ड एंड दे केप्ट फॉर ब्रीडिंग प्रोग्राम इन द कैप्टिविटी, ओके, बट उसमें से डिफरेंट पॉपुलेशन बनाने के लिए उनको ब्रीडिंग के लिए रखा गया, बट ओनली अनफॉर्चुनेटली ओनली 7 ऑफ देम, ओके, दे वर ब्रेड एंड दे लिव्ड, एंड यू कैन वी कैन से दैट वट एवर द फेरेट स्पीसीज आर टूडे विज 200 to 300 जितना भी हैं, वी कैन से दैट दे आर रिलेटेड टू दो सेवन पॉपुलेशंस, ओके, दो सेवन इंडिविजुअल ऑफ दोज फेरेट्स विच वर कंजर्व्ड ड्यूरिंग 1980s, ओके, सो इन दिस वे वी कैन से दैट दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, ओके, सो मीन देर इज अ लैक ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, एंड दैट मे एक्चुअली lead to the other challenges like by the changing environments and means emergence of new diseases, okay, so that may be challenges because they have less genetic diversity and it may again lead to the loss of complete population, okay, of this ferret species, black footed ferret species. So jo ye billa species, billa hai, billa jo carrot hai, ferret hai, sorry, ye jo billa ferret hai, that was died in 1980s mein, okay, and it was completely extinct with no descendant, no living descendant, okay, so it was the sole individual, that billa fair black footed carrot, and jab iska genomic analysis kiya gaya, okay, so it was revealed that jo billas ka genome tha, that possessed 3 times more unique variations than the currently living population of black footed ferret, okay, so kya hua ki jo iska dna tha, okay, जो बिल्ला फुट कैरेट था, फेरेट था, ओके, सो इसके जो सेल्स है दे वॉज कंजर्व्ड इन द फ्रोजन स्टेट, एंड देयर फोर इट वॉज पॉसिबल टू यूज देम एंड टू क्रिएट ए न्यूली बॉर्न क्लोन्ड ब्लैक फुटेड फेरेट विच इज नेम्ड एज एलिजाबेथ एन, ओके, सो यू कैन सी दैट दिस बिल्ला जीनोम इट हैज 3 times मोर यूनिक वेरिएशन थी, ओके, सो डेट्स वाई इट इज पॉसिबल टू क्रिएट मोर जेनेटिक डाइवर्सिटी बाय द cloning of this Elizabeth N. If it is successfully mates and reproduce and produce other perpetuate the other generations, okay, so it's a means very important for increasing or enhancing the genetic diversity of these black footed ferrets, okay, and definitely enhancing the biodiversity or conserving the diversity of these species, these endangered species. So Elizabeth N, अभी के लिए तो दे वॉन्ट रिलीज, दे हैव सेड दैट दे वॉन्ट रिलीज दिस स्पीसीज एलिजाबेथ एन इन टू द वाइल्ड, ओके, एंड दे विल कैप दैट वुड बी कैप्ट अंडर द मीन्स दैट वुड बी मोनिटर्ड फॉर फर्दर रिसर्च एंड फर्दर नोइंग इट्स बिहेवियर. सो एक्चुअली दिस मेन क्लोनिंग इट वॉज मेनली डन बाई दिस कंपनी बिया जेन पेट्स एंड पेट्स एंड दिस एक्विन, एंड एक्चुअली दे हैव ट्रांसफर्ड द एम्ब्रियो, दिस क्लोन्ड एम्ब्रियो इन टू ए सरोगेट मदर, एंड एक दूसरी फेरेट स्पीस फेरेट में सरोगेट, जिसको कि एज ए सरोगेट मदर यूज किया गया, उसके एम्ब्रियो में उसका एम्ब्रियो को उसमें ट्रांसफर किया गया, मीन्स दैट एम्ब्रियो इन टू ए सरोगेट फेरेट, ओके, एंड ऑन द 10th December लास्ट ईयर को, अभी 2020 में 10th December को एलिजाबेथ एन वॉज बोर्न, द फर्स्ट एवर एंडेंजर्ड क्लोन्ड ब्लैक फुटेड कैरेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ओके, तो इसी कंपनी ने एक्चुअली अभी लास्ट ईयर ही दे हैव क्लोन्ड एन एंडेंजर्ड मंगोलियन वाइल्ड हॉर्स यूजिंग द सेम प्रोसेस, ओके, फ्रॉम द दिस प्रेजवाल्स्की हॉर्स विच वाज नेम्ड एज कोर्ट, एंड यू कैन सी हियर इज द कोर्ट, ओके, एंड दिस इज आल्सो द वर्ल्ड्स फर्स्ट, यू कैन सी हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल है ये 6 अगस्त का, द मीट द कोर्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुली क्लोन्ड प्रेजवाल्स्की हॉर्स, ओके, एंड दिस कोट मीन्स इट वॉज ऑल्सो क्लोन्ड फ्रॉम द 40-year-old DNA ऑफ ए वाइल्ड स्टैलियन, ठीक है,
एंड दिस न्यूली क्लोन्ड स्पीसीज इट वॉज नेम्ड एज कोट. ओके सो सिमिलरली दिस ब्लैक फुटेड फेरेट इज द नॉर्थ अमेरिकाज ओनली फेरेट स्पीसीज एंड इज द अमंग द मोस्ट एंडेंजर्ड मैमल्स इन द नॉर्थ अमेरिका. ओके सो दैट्स व्हाई दे हैव दिस साइंटिस्ट दे हैव सेड दैट द एबिलिटी टू यूटिलाइज अवर प्रूवन सोमैटिक सेल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मीन्स टू एनेबल द क्लोनिंग ऑफ सच एन इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट स्पीसीज इट इज ए ग्रेट प्रिविलेज. ओके सो दैट विल रियली दैट इज ये रियली ए न्यू स्टेप इन बूस्टिंग द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज. ओके सो यू कैन सी दैट एलिजाबेथ द हिंदू का आर्टिकल है द एलिजाबेथ एंड द फर्स्ट क्लोन फेरेट इट स्पर्स द होप फॉर एंडेंजर्ड यूएस स्पीसीज. ओके सो हेयर इज द कोट द फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट एवर क्लोन्ड हॉर्स ऑफ दैस मंगोलियन हॉर्स स्पीसीज एंड हेयर इज द एलिजाबेथ एंड. ओके And with this, I would like to end the today's video. I hope you might have found some many interesting things and that would be useful for your various competitive exams. And if you like the video, please kindly share karein, subscribe karein and like karein. And you can directly comment also, you can directly send your queries on our email ID which I have provided here. So with this, I would like to say thank you, stay happy, stay blessed and stay healthy. Thank you.